हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं, जो कि हमारा है नए बैच जो हमने 2023 के लिए और उसके आगे आने वाले जो ईयर्स है उनके लिए बनाया हुआ है। और ये हमारा फर्स्ट ईयर हम पढ़ा रहे हैं अभी आपका प्राचीन इतिहास एंशियंट हिस्ट्री का। प्रथम सेमेस्टर की हमारी वीडियोज है और यूनिट नंबर सेकंड हम आपका कंप्लीट करवा रहे हैं। यूनिट नंबर सेकंड पर ऑलरेडी एक वीडियो हो चुकी है, ये हमारा यूनिट नंबर सेकंड को लेकर के डे नंबर टू है, दूसरा दिन है यूनिट नंबर सेकंड को लेकर के। और इसमें आप पढ़ रहे हैं इंडस सिविलाइजेशन के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी उत्पत्ति को लेकर के कौन कौन से साक्ष्य हैं, कौन कौन सी चीजें हैं इसकी उत्पत्ति को लेकर के जो विद्वानों में जो है क्लेश है या विद्वान उस चीज में एक्सेप्ट नहीं करते हैं इसकी उत्पत्ति को लेकर के एक बात पर। तो वो सारी चीजें क्या थी वो आपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज चैनल में विजिट करके आप वो वीडियोज देख सकते हैं। एंड आने वाली वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके लिए आज जो हम बात करने वाले हैं इंडस सिविलाइजेशन के बारे में, तो हम बात करेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसकी नगर योजना की विशेषताएं क्या थी, क्योंकि नगर योजना के लिए अपने नगर निर्माण के लिए ये काफी महत्वपूर्ण रहा है और काफी ज्यादा फेमस हुआ है, काफी ज्यादा प्रचलित है सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर कैसे थे उस चीज के बारे में हमें बात करनी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता रही है, और ये सभ्यता उस टाइम पीरियड में भी उस लेवल पर थी, यानी कि उसके आर्किटेक्ट जो थे, उसके इंजीनियर्स जो थे, जो उनकी नगर निर्माण योजना थी वो आज के टाइम को भी टक्कर दे सकती है। इस तरीके की चीजें थी, जैसे नगर निर्माण के रूप में इसको देखा जाता है कि यहाँ का नगर निर्माण बहुत ज्यादा सुदृढ़ रहा था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर निर्माण चीज था वो बहुत सुदृढ़ था, और वहां पर जो नगर बनाए जाते थे या जो घर बनते थे ना, जो मकान होते थे, उनमें एक रूपता देखने को मिलती थी, यानी कि एक जैसे ही घर बन रहे सभी का नक्शा डिजाइन सब एक जैसा होगा। जो विंडोज ओपन होते हैं सब विंडोज सड़क के साइड में ही ओपन होते हैं ताकि वहां से धूप रोशनी और हवाएं आती रहे, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर तरीके से बनाया गया है, मतलब पूरी तरीके से क्या चीज कहां होनी चाहिए पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है, उसके बाद बनाया गया था वो नगर को। जो मुख्य नगर होते हैं यहाँ के, जितने भी आप सिंधु घाटी सभ्यता के नगर देखोगे जो मुख्य रूप से है ना, वो हमेशा नदियों के किनारे बसे हुए थे। चाहे वो नगर आपके मोहनजोदड़ो हो, तो मोहनजोदड़ो आपको पता ही है कौन से नदी के किनारे था, सिंधु नदी के किनारे था। हड़प्पा देख लो, वो भी रावी नदी के किनारे था। कालीबंगा हो गया, चंडोदड़ हो गया, लोथल हो गया, ये सभी ही जितने भी नगर बसे थे वो नदियों के किनारे पर ही बसे हुए थे, नदियों के तटों पर ही ये नगर बसे हुए थे। अब इन नदियों के किनारे पर बसने से बहुत ज्यादा हानि की भी ये रहता था कि हानि भी हो जाती थी कई बार, क्यों, क्योंकि नदियों के किनारे पर बसेंगे तो नदियों में बाढ़ आता है, तो कुछ हानियां हुई नदियों में बाढ़ आने की वजह से। क्योंकि आज जो आप मोहनजोदड़ो देखोगे या जहां पे मोहनजोदड़ो की खोज की गई है, तो आज जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु घाटी की जो नदी है, सिंधु नदी, उससे 3 मील की दूरी पर स्थित है। यानी कि आज जो आप मोहनजोदड़ो देखोगे ना, वो सिंधु नदी से 3 मील की दूरी पर है। लेकिन उस टाइम पीरियड में क्या था, किसी समय पर यह तट पर ही स्थित था, यानी कि सिंधु नदी के तट पर ही स्थित था मोहनजोदड़ो। तो इसमें क्या हुआ कि दो बार जो है अनुमान लगाया जाता है, जब इसकी रिसर्च किया गया तो अनुमान लगाया गया पुरातत्वविदों के द्वारा कि दो बार इसका पूरी तरह से विध्वंस हो चुका है, बहुत जोर है, दो बार विध्वंस हो चुका है। ओके, और जिस विध्वंस की वजह से क्या होता है कि उसकी निर्माण फिर से स्टार्ट किया गया, उसी पे फिर निर्माण किया गया, उसी तरीके से बनाने की कोशिश की गई, कुछ चीजें हट करके भी बनाई गई, तो दो बार विध्वंस हो चुका है। हड़प्पा जैसा कि मैंने पहले बताया रावी नदी के तट पर है, आज अगर आप देखोगे हड़प्पा को तो रावी नदी का जो तट है ना उससे 6 मील की दूरी पर है। आज अगर आप हड़प्पा जाकर के देखोगे तो रावी नदी का जो तट है उससे 6 मील की दूरी पर है, लेकिन किसी टाइम पीरियड पर वो क्या था, रावी नदी के तट पर ही स्थित था, जैसे कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। और यहां पर जो नगर थी, नगरों की बाढ़ से सुरक्षा के लिए बांध भी बनाए गए थे कि जो नगर का जो बांध सॉरी नदी का पानी है वो ना आ पाए नगरों में, इसके लिए बांध की भी व्यवस्था की गई थी कि नगरों में बांध ना आए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं नगर निर्माण कितना सुदृढ़ बनाने की कोशिश किया गया था, कितने अच्छे तरीके से नगर निर्माण हो सके। तो नगरों में बहुत सारी चीजें आती है, नगर इनके जो बनाए गए थे ये 2 स्तरीय नगर थे इनके, कैसे नगर थे, 2 स्तरीय नगर थे। 2 स्तरीय जो नगर थे ना, उन नगरों में एक स्तर होता था दुर्ग का, या फिर जिसको गढ़ी कहते थे, गढ़, और दूसरा होता था निचला शहर। अब दुर्ग में आपको पता है कि दुर्ग मतलब जो फोर्ट होता था, जहां पर राजा रहते थे या राजा से रिलेटेड जो काम होते थे, वो सारा कुछ जो प्रशासन का काम था वो दुर्ग में होता था, और दूसरा निचला शहर था जिसमें आम जनता रहती थी। लेकिन इन दोनों का कनेक्शन था कि मतलब कि दुर्ग के लोग निचले शहर में भी जा सकते थे और निचले शहर के लोग दुर्ग में भी अपनी जरूरतों पर आ सकते थे। तो दोनों नगरों के बीच आवागमन का नियंत्रण रहता था कि एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते थे।
लेकिन इन दोनों नगरों के बीच में एक नहर बहती थी, एक नहर भी हुआ करती थी, जिससे कि वहां पर सिंचाई या फिर मतलब एक थोड़ी सी सिक्योरिटी रीजन की वजह से भी वो चीजें थी। तो नहरों को पार करके ही एक दूसरे के चाहे दुर्ग में जाना हो या फिर निचले शहर में आना हो तो नगरों जो है नहर को पार करके आना पड़ता था। तो इस तरीके के जो है नगरों की स्थापना किया गया था। अब नगरों के लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज हो जाती है? सड़कें। तो दूसरा टॉपिक हमको पढ़ना है कि वहां के सड़कों के बारे में कि सड़कें किस तरीके से थी। अब सड़कों में बात करेंगे तो नगरों को एक नगर को अगर व्यवस्थित रूप देना है कि ये नगर है अलग तरीके से, तो इसको क्या किया गया, डिजाइन किया गया इस तरीके से कि एक सड़क मान लिया कि ये पूरब है ऊपर और नीचे पश्चिम है, ये दक्षिण है ये उत्तर है। तो पूरब से पश्चिम की तरफ एक रोड आ गया है और पश्चिम से पूरब की तरफ मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ एक रोड आ गया है। तो इस तरीके से रोड जाते थे और यहाँ बीच में मतलब समकोण पर ये काटते थे और यहाँ पर पूरे नगर का निर्माण होता था। एक नगर, दो नगर, तीन नगर, चार नगर, इस तरह के से नगरों का निर्माण हुआ करता था। और इन नगरों में भी छोटे छोटे शहर मतलब छोटे छोटे पार्ट में बटा होता था, जैसे कि यहाँ पर भी जो रास्ते बने होते थे तो ये भी इसी तरीके से बने हुए होते थे। सीधा सीधा रास्ते का प्रयोग किया जाता था, तो इस तरीके से ये अलग अलग पार्ट्स में बटे होते थे और ये क्या होते थे, सारे रास्ते एक दूसरे से कनेक्टेड हुआ करते थे। तो इस तरीके से नगरों का निर्माण हुआ था उस टाइम पीरियड पे सड़कों का। तो नगरों का निर्माण व्यवस्थित रूप से करने के लिए क्या किया गया, उच्च कोटि के सड़कों की भी व्यवस्था किया गया। अब ये सड़क कैसे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए थे और 10 मीटर चौड़ी ये सड़कें थी, यानी कि मुख्य रूप से जो ये सड़कें आई हुई थी ये 10 मीटर चौड़ी, 10 मीटर चौड़ी आप समझ सकते हैं आज के 4 लाइन के बराबर, इतनी चौड़ी सड़कें उस समय बनाई गई थी। तो जिससे कि उच्च कोटि की सड़कों की व्यवस्था हो चुकी थी जो समकोण पर काटा करती थी। कच्ची सड़क थी, मतलब कि पक्की सड़कें नहीं थी जैसे आज लिंटर सड़कें हैं, वो पक्की सड़कें नहीं थी, कच्ची सड़कें थी। लेकिन फिर भी साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता था। साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए कि जो कूड़ा करकट होगा उसको कहाँ फेंकेंगे, तो सड़क के किनारे पर थोड़ी थोड़ी दूर पर गड्ढों की व्यवस्था थी जिसमें कि कूड़ा करकट जो कचरा है वो वहां पर फेंका जा सके। सड़क जो होते थे ना, सड़क के दोनों तरफ चबूतरे बने हुए थे जिसके बारे में बताया जा रहा है कि दोनों तरफ चबूतरे इसलिए बने होते थे ताकि लोग वहां पर बैठ करके दुकानदार अपनी सेलिंग कर सके, कुछ अपने जो सामान है जो प्रोडक्ट है उनको बेच सके, तो इसलिए चबूतरे बने हुए होते थे। सड़कों के किनारे पर भोजनालयों के भी साक्ष्य पाए गए हैं कि सड़कों के किनारे पर भोजनालय, जैसे सड़कों किनारे आज देखोगे कि एक कोई अच्छी सड़क है या अच्छे सड़क चल रहे हैं तो उसके किनारे ढाबे चलते हैं, तो सड़कों की किनारों पर भोजनालय की भी व्यवस्था उस टाइम पीरियड में थी। तो आप समझ सकते हैं कितनी विकसित उस समय जो है व्यवस्था रही थी, सिंधुघाटी सभ्यता कितना ज्यादा विकास कर चुकी थी। अब आइए बात करते हैं सड़कों के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसको जिसके लिए सिंधुघाटी सभ्यता को याद रखा जाएगा, वो है नालियां। नालियों के लिए की व्यवस्था के लिए एक विश्वविख्यात रहा है सिंधुघाटी सभ्यता। नालियों की बहुत बेहतरीन व्यवस्था उस टाइम पीरियड में थी कि सड़कों पर और गलियों के दोनों ओर जो है पक्की नालियां बनी होती थी। सड़क जा रहा है या गली है, बीच बीच के जो ये सड़कें हैं इनके दोनों तरफ पक्की नालियां बनी होती थी, जो पक्की नालियां ईंटों और बड़े पत्थरों का प्रयोग करके बनाया जाता था और इनको जोड़ने के लिए, जुड़ाई करने के लिए या प्लास्टर करने के लिए मिट्टी, चूने और जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। इनको मिक्स करके जुड़ाई करना हो या प्लास्टर करना हो तो इसकी व्यवस्था की जाती थी। छोटी छोटी जो नालियां होती थी वो बड़े नालों से जाकर के मिलती थी, यानी कि छोटी नालियां जो है जो बीच में अगर कोई नाली है तो वो जाकर के क्या करेगी, जो बड़ा नाला होगा उसमें जाकर के मिलती है। जैसे आप देखो कि आपके गांव के छोटे से नाले होंगे वो जाकर के बड़े नाले में मिलते हैं, बड़ा नाला जाकर के उससे जो है बड़े गड्ढे में मिलता है, गड्ढे जाकर के क्या होते हैं नदियों में मिलते हैं। तो ऐसे ही व्यवस्था थी कि छोटे छोटे जो नाले थे वो बड़े नालों में मिलते थे और बड़े नाले लेकर के जाकर के वहां एक गड्ढा हुआ करता था, एक उस गड्ढे में जाते थे सारे पानी जिससे कि जो है नगर जो हो वो साफ सफाई रह सके। समय समय पर नालियों की साफ सफाई की भी व्यवस्था थी कि जो है नालियां अच्छे से साफ की जा सके जिससे कि जो है शहर सुरक्षित रहे, शहर स्वच्छ रहे। अगला है गार्डन चाइल्ड, इस पर अपना विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यहाँ की जो व्यवस्था रही इस व्यवस्था के आधार पर, आप देखो जो ये व्यवस्था रही इस व्यवस्था के आधार पर उन्होंने कहा था, कई सारे विद्वानों ने बात कहा है कि उस समय जो व्यवस्था थी वो 17वीं-18वीं शताब्दी में लंदन और पेरिस जैसे शहरों में भी नालियों की व्यवस्था नहीं थी। जो व्यवस्था सिंधुघाटी सभ्यता में आज से 2500 साल पहले, 5000 साल पहले जो व्यवस्था थी वो 17वीं-18वीं शताब्दी के पेरिस और लंदन की नालियों में भी वो व्यवस्था रही थी, इतनी बेहतरीन नालियां थी। और इसी को देखते हुए गार्डन चाइल्ड कहते हैं कि वहां के प्रत्येक नगर में कोई ना कोई स्थानीय सरकार अवश्य काम करती होगी। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से व्यवस्था की गई थी उस व्यवस्था के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि वहां पर हर जगह पर जो भी चीज नगर थे हर नगर में कोई ना कोई स्थानीय सरकार रहती होगी जो इन सभी चीजों का जो भी कार्यपालिका है वो सभी का ध्यान रखने के लिए कोई ना कोई गवर्नमेंट जरूर रही होगी। तो यह है नालियां। अब आओ जानते हैं नालियों के बाद और क्या क्या चीजें थी जो इनकी नगर योजना में सम्मिलित थी।
अगली चीज इसमें आती है आवासीय भवनें, कि इनकी जो आवासीय भवनें थी वो किस तरीके थी। तो देखो प्रत्येक आवासीय भवन के बीच में जितने भी आवास होते थे, लोगों का रहने का जगह होता था, उसके बीच में एक आंगन हुआ करता था। हर घर है, घर के बीच में एक आंगन है जिसके चारों ओर या तीन ओर या चार ओर क्या होते थे, कमरे होते थे। एक रसोई घर होता था, एक स्नान घर होता था, और अक्सर देखा गया है कि जितने भी घर हुआ करते थे उसमें कुएं पाए जाते थे। और जो संपन्न लोगों के घर थे, जिनके पास पैसे थे या जो दुर्ग में रहा करते थे, तो उनके घरों में शौचालय की भी व्यवस्था थी। घर के जो दरवाजे होते थे, जो मुख्य दरवाजा होता था, वो मुख्य सड़क पर नहीं खुलता था, बल्कि जो पीछे गली हुआ करती थी उन गलियों में खुलते थे। जो दरवाजे हुआ करते थे वो उन गलियों में खुला करते थे। खिड़की और रोशनदान की भी व्यवस्था होती थी घरों में। भवनों के जो नीचे वाला हिस्सा होता था उसको फर्श किया जाता था, कच्चे मिट्टी पक्की मिट्टी को घोल करके प्लास्टर के रूप में किया जाता था। कुछ इमारतों की दीवारों पर जो है प्लास्टर देखे गए हैं, कई सारी ऐसी इमारतें मिली हैं जिनकी दीवारों पर मोटे प्लास्टर भी देखे गए हैं। बड़े आकार के भवनों में 30 कमरे तक भी देखे गए हैं, यानी कि जो बड़े आकार के बड़े भवन हुआ करते थे उनमें 30 कमरों तक भी देखा गया है कि इसमें 30 कमरे भी पाए जा सकते हैं। सीढ़ियां होती थी दो, जिससे पता चलता है कि सीढ़ियों की वजह से कि हाँ यहाँ पर दो मंजिला इमारतें रही होंगी। कुछ इमारतों की जो छतें हैं वो समतल हुआ करती थी, जिसपे घास फूस बिछा करके ऊपर से मिट्टी का लेप लगा दिया जाता था, जिससे कि क्या हो कि जो छत हो जो है समतल हो सके। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो थी वो पक्की ईंटों का भी प्रयोग देखा गया है। अक्सर जो देखा गया है वो कच्ची ईंटें थी, लेकिन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो मेन मेन शहर थे वहां पे पक्की ईंटों का भी प्रयोग किया गया था। तो इस तरीके के घर बनाए जाते थे, आवासीय भवन थे। इसके बाद बात करते हैं कि इसमें एक विशाल स्नानागार भी खोजा गया। जब खुदाई किया गया मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार पाया गया जो मोहनजोदड़ो के दुर्ग के भीतर था। विशाल जलकुंड था जिसकी लंबाई थी 39 फीट, चौड़ाई थी 29 फीट, और जो गहराई थी वो 3 फीट थी। तो इस तरीके से एक बड़ा स्नानागार जिसमें स्नान करने के लिए जैसे आजकल स्विमिंग पूल होते हैं, वैसे ही एक स्नानागार पाया गया। उतरने के लिए स्नानागार में उत्तर और दक्षिण की ओर से सीढ़ियां थी, जिससे कि स्नानागार में उतरा जा सके, जैसे आप स्विमिंग पूल में उतरते हैं आप देखते होंगे। फर्श जो थी इसकी वो पक्की ईंटों की बनी हुई थी, मतलब पूरा फर्श किया हुआ था। बाहर की जो दीवार थी वो बिटुमेन का जो है एक मोटा प्लास्टर बाहर की दीवार पर किया गया था, और उस प्लास्टर से क्या होता था कि पानी बाहर नहीं जाता था, और नीचे भी प्लास्टर किया हुआ था। जलाशय के तीनों ओर बरामदे थे, पीछे एक कमरा था, यानी कि जो जलाशय था उसका तीन साइड क्या थे, बरामदे थे, खुला हुआ जगह था, और पीछे की साइड एक कमरा मतलब कमरे थे उसमें, जिसमें सीढ़ियां थी, यानी कि कमरे थे, कमरे की दीवारों से लगती हुई ईंटे की सीढ़ियां थी, जिससे यह पता चलता है कि वो दो मंजिला रहा होगा मकान। और उसमें मैक महोदय कहते हैं कि इसमें उनका अनुमान है कि इसमें पुजारी रहता होगा, जो ऊपर रहता होगा, फिर जब उसको पूजा करना होता होगा तो नीचे आकर के पहले स्नान करता होगा फिर पूजा करता होगा। तो इस तरीके से वो एक धार्मिक स्थल के रूप में, जो विशाल स्नानागार था, मतलब उसको उन्होंने क्या कहा कि ये एक धार्मिक स्थान के रूप में लिया जा सकता है कि यहाँ पर पुजारी रहा करता होगा। तो इस तरीके से स्नानागार के बारे में बात किया गया। और यहाँ पर नगर योजना में अन्नागार भी थे, अन्नागार मतलब इकट्ठा करने वाला जगह। तो स्नानागार के पश्चिम में 1.52 मीटर ऊंचे चबूतरे पर निर्मित एक भवन मिला, जिसका ऊंचरी ढांचा जो था वो शायद बांस का बना हुआ था, और इस पर जो है मार्टिमल व्हिटन ने इसे अन्नागार बताया हुआ है कि इसमें अन्न इकट्ठे किया जाता रहा होगा। इसमें ईंटों के बने हुए विभिन्न आकार के प्रकोष्ठ थे, और उसमें हवा जाने की भी व्यवस्था थी जिससे कि जो है सामान खराब ना हो। उत्तर की ओर एक चबूतरा था जो अन्न रखने और निकालने के लिए प्रयोग किया जाता था, कि अन्न को रखना है या निकालना है तो उस चबूतरे के माध्यम से उसमें जाते थे और निकाल करके लाते थे या ले जा करके रखते थे, उसमें स्टोर करते थे। विद्वान इसे राजकीय भंडार मानते हैं, कई सारे विद्वान है जो मानते हैं कि यह राजकीय भंडार था, यानी कि राज्य में क्या होता था कि जनता से जो कर के रूप में लिया गया, वसूला गया, उसको अनाज को लाकर के इसमें इकट्ठा किया जाता था। तो इस तरीके से ये एक तरीके का सरकारी भंडागार था। तो अन्नागार के बारे में ये सारी चीजें बताई गई कि इस तरीके से इसकी व्यवस्था थी, तो जो भी चीजें इकट्ठा होती थी कर के रूप में अनाज, वो यहां पर ला करके इकट्ठा किया जाता था। अब आइए बात करते हैं आगे और भी चीजें जो नगरीय योजना में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है उनके बारे में। नेक्स्ट चीज जो इसमें मिली वो था सभा भवन। उत्खननों के दौरान, जब उत्खनन किया जा रहा था, खुदाई की जा रही थी, तो उत्खननों के दौरान कुछ सार्वजनिक भवनों के अवशेष मिले, यानी कि ऐसे भवन जो सभी के लिए हो, यानी कि एक बड़ा भवन जो सार्वजनिक रूप से हो, जिसमें बहुत सारे लोग आ सकते हो, बहुत सारे लोगों को समाने की क्षमता हो, ऐसा सार्वजनिक भवन अवशेष से आया, जो कि मोहनजोदड़ो का जो दुर्ग था उससे दक्षिण के साइड में 27x27 मीटर का था, 27x27, यानी कि 27 मीटर चौड़ा, 27 मीटर लंबा एक बड़ा भवन दिखाई दिया, जिसको सभा भवन के नाम से जाना जाता है, या सभा भवन के रूप में इसको दिखाया गया। विद्वानों ने कहा कि यह सभा भवन था। इसमें क्या था कि 20 ईंटों के चौकोर स्तंभ थे, यानी कि ईंटों के चार कोर के जो है स्तंभ, मतलब खंभे थे, 20 खंभे थे, इनकी चार कतार थी, यानी कि 20 खंभे चार कतार में लगे हुए थे,
और एक एक कतार में पांच पांच खंबे लगे हुए थे, और संभवतः अनुमान लगाया जाता है कि इन्हीं खंबों के सहारे पर निरीक्षण था वो टिका हुआ था जो इस सभा था। भवन के भीतर कई सारे चौक थे, यानी कि जो भवन था उसमें कई सारे चौक बनाए गए थे, और कुछ लोगों का मानना यह है कि ये जो चौक थे ये जो बाल्य मंत्री है सभा भवन है तो लोगों के बैठने के लिए था, और कुछ लोगों का मानना था जैसे मैथ्यू महोदय इनका मानना था कि यहाँ पर भी बाजार लगता था, तो चौकों पर दुकानदार अपना सामान लेकर के बैठ जाता था और लोग आकर के वहां पर खरीदारी करते थे। तो इस तरीके से सभा भवन के रूप में कहा गया है, मैके के अनुसार तो वहां पर बाजार लगता था, तो इस तरीके की चीजें रखी गई है। अब बात करते हैं इसके बाद जो नगर योजना में नेक्स्ट चीज है वो है मजदूरों के आवास। अब मजदूरों के आवास के बारे में बात करें तो मजदूरों के आवास हड़प्पा हो या मोहनजोदड़ो हो दोनों जगहों पर पाया गया है और देखा गया है। हड़प्पा के दुर्ग की जो दीवार है उसी के निकट में दो लाइन में, हड़प्पा का दुर्ग है उसकी दीवार है, दीवार के पास में दो लाइन में दो पंक्तियों में छोटे छोटे दो कमरे वाले मकान की एक श्रृंखला है, यानी कि दोनों साइड में दो लाइन में क्या है छोटे छोटे कमरों की दो दो छोटे छोटे कमरों के मकान बने हुए हैं कि एक कमरा है मान लिया तो मतलब उसमें दो कमरे हैं तो एक मकान उसको कह दिया गया उसमें दो कमरे हैं और भी जो चीजें जैसे किचन हो गया स्नानागार हो गया तो ये सारी चीजें हैं। तो इस तरीके के मकानों की श्रृंखला देखी गई और इन मकानों के पास में भट्टियां देखी गई, भट्टियों के भी अवशेष मिले, और अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर जो धातु का काम करने वाले सैनिक होते थे या धातु का काम करने वाले मजदूर होते थे उनके ये घर थे, और बहुत जोधपुर में भी सेम इसी तरीके की चीजें देखने को मिलती है। तो ये मजदूरों के आवास भी देखने को मिले, और इसमें एक चीज और देखने को मिली है सिद्धवाणी नगर योजना में जिसको गोड़ीवाड़ा के नाम से जाना जाता है। गोड़ीवाड़ा क्या है तो लोथल जो जगह है आपने सुना होगा इसमें सिंधुघाटी सभ्यता में लोथल एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, तो लोथल के उत्खनन में बहुत बड़ा विशाल जलकुंड पाया गया, एक बहुत बड़े विशाल जलकुंड होने की आशंका जताई गई और इस पर प्रकाश डाला गया जिसमें बताया गया कि ये जो जलकुंड था ये 218 मीटर लंबा 37 मीटर चौड़ा और 33 मीटर गहरा था, यानी कि बहुत बड़ा जलकुंड अपने आप में कह सकते हैं, समझ रहे। पक्की ईंटों से निर्मित था, यानी कि ये जो जलकुंड था ये पक्की ईंटों से बना हुआ था। उत्तरी दीवार में चौड़े प्रवेश द्वार थे, यानी कि इसका जो उत्तरी पार्ट था दीवार का उसमें चौड़े प्रवेश द्वार थे कि अगर प्रवेश कर रहा है तो दीवार के माध्यम से उसमें प्रवेश था, जो एक विशाल नाले और नहर के द्वारा भोगवा नदी से संयुक्त था, यानी कि ये जो था जिसको जलकुंड कहा गया ये क्या था कि एक बड़े विशाल एक नहर के द्वारा भोगवा जो नदी थी उससे कनेक्टेड था, और डॉक्टर जो है A.S. राव इसे गोड़ीवाड़ा मानते थे जहां इन्होंने कहा कि व्यापारी जहाज आते थे। इनका मानना था डॉक्टर S.R. राव का कि गोड़ीवाड़ा एक ऐसा स्थान था जहां पर क्या होते थे नदियों के सहारे से व्यापारी जहाज आते थे और सामानों का लेन देन हुआ करता था। तो सिंधुघाटी सभ्यता की नगर विकास योजना में सारी चीजें देखने को मिली और हमने एक एक चीज को अच्छे तरीके से समझा। आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। हमको बात करना है इसमें अभी और सारे टॉपिक्स हैं कि इनका आर्थिक जीवन कैसा था, इनका सामाजिक जीवन में कौन कौन सी चीजें थी, इनकी धार्मिक व्यवस्थाएं कैसी थी, तो बहुत सारी चीजों के बारे में जानना है जिसको आप जानने वाले हैं अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए प्लीज विजिट द चैनल, इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।